हाय गाइस, टेकबॉल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ऐसा हूँ सैमसंग गैलेक्सी A10s। ओके गाइस, इसका लगा FRP। उधर पीसी से FRP को कैसे रिमूव करते हैं, चलिए आपको बताते हैं। कैसे रुक, इसको वर्जन है एंड्रॉयड 9.0 पाई। ओके गाइस, इसका मॉडल भी मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए गाइस ध्यान से देखना। देखिए गाइस, SM A107F। ओके, उसके बाद इसका FRP लगाओ कि नहीं वो भी देख दे रहे हो। खास कर एक बात, सैमसंग के जितने एस का मॉडल है सब में ट्रिक काम करेगा 100% में वर्किंग। जैसे कि सैमसंग A10s, A20s, A30s, A40s, A50s, जितने सारे सेट का सेट है सैमसंग के एस का सेट है, सब में ट्रिक काम करेगा 100% में वर्किंग। ओके, मैं इसको डेमो करके मैं बता दूंगा। ओके, सबसे पहले इस FRP को रिमूव करने के लिए एक सिम कार्ड का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले आप सिम कार्ड को लॉक लगा लेना। ओके, उसके बाद इसका FRP लगाओ कि नहीं वो भी दिखा दे रहा हूँ। गेट स्टार्ट में स्टार्ट कर देना, उसको टिक मार्क को लगा के नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। फिर से यहाँ से इसके बीच में टिक मार्क लगा के नेक्स्ट, देखिए ओके नहीं हो रहा है। गैस एक बात, FRP को रिमूव करने के लिए आपको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। देखिए मेरा वाला मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ, अब भी अपने वाला कर लेना। ओके, देखिए मेरा सैमसंग J7 Max का वाईफाई है, मैं कनेक्ट कर ले रहा हूँ, आप भी अपने वाला कर लेना। ओके, नहीं तो कनेक्ट नहीं करता तो ट्रिक काम नहीं करेगा। ओके, देखिए गाइस कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद प्रोसेसिंग भी लेगा ऑटोमेटिकली, लेने दीजिए। देखिए नेक्स्ट हो रहा, नेक्स्ट कर दे रहा हूँ। ओके, तो प्रोसेसिंग लेगा, लेने दीजिए। ओके, कुछ चिरकानी मत करिए। उसके बाद इसके FRP लगा कोई नहीं दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस पैटर्न तो मेरे को मालूम नहीं है। उसके बाद यूज़ माई गूगल अकाउंट में दिखा दे रहा हूँ, इसके FRP लगाओ कोई नहीं। देखिए इस नेक्स्ट भी नहीं हो रहा है, और ईमेल आईडी की तो मेरे को मालूम नहीं है। ओके, सबसे पहले होम पे आ जाना है। चले गए बिना सब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस एक बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में प्रेस कर देना। इसी तरीके नया टेक्नोलॉजी वीडियो आपको उधर पहुंच जाएगा। और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं देखिए प्लीज फॉलो भी कर लेना। ओके गाइस, ध्यान से देखना, सबसे पहले गाइस वीडियो को देख लेना, सुन लेना, उसके बाद ट्रिक को इस्तेमाल करना। ओके, हमें जाना है वाईफाई के नेटवर्क पे। ओके, देखिए गाइस ध्यान से, देखिए ये वाईफाई के नेटवर्क आ गया, इसमें आप कुछ मत करिए, आप सिम को सीधा लगा लेना है। सिम को सबसे पहले आप लगा लेना। ओके, इस लॉक कर लेना। ओके, नहीं तो ट्रिक काम नहीं करेगा। मैं सिम को ध्यान से ठीक से यहाँ पे बैठा दे रहा हूँ, आप भी बैठा देना। उसके बाद देखिए गाइस, सिम को जब लगा दोगे उसके बाद देखिए नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट पर टैप कर देना। 2 सेकंड बाद देखिए नेक्स्ट पर टैप कर दोगे, ऑटोमेटिकली सिम फोन लॉक हो जाएगा। ओके बस अब ध्यान से देखना। ओके, मैं सिम को तब रिमूव करूँगा, यहाँ के एक ओके का ऑप्शन आएगा, ओके पे टैप करके यहाँ पे एक सेटिंग का ऑप्शन आएगा, सेटिंग में टैप को ऊपर से स्वाइप कर देना, यहाँ पे चार्ज बार आएगा, चार्ज में टैप कर देना है। ओके, उसमें साथ क्रोम भी आएगा, क्रोम में साथ अलग अलग फास्ट आपको टैप कर देना है क्रोम में। देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ नहीं हुआ, फिर से ट्राई करिए, पैक कर देना, नेक्स्ट पे आके सिम को लगा देना वाईफाई के ऊपर, नेक्स्ट पे टैप कर देना। देखिए गाइस लॉक हो गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद सिम को रिमूव करते ध्यान से रिमूव करके ओके पे टैप करके यहाँ पे टैप करके यहाँ पे चार्ज करके क्रोम में टैप कर देना। देखिए गाइस क्रोम खुल जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके गाइस ध्यान से देखना, मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ, जब ओके का ऑप्शन आएगा ओके पे टैप करके यहाँ पे सेटिंग आएगा, सेटिंग में टैप करके यहाँ पे चार्ज बार आएगा, चार्ज पे टैप कर देना, क्रोम का ऑप्शन आएगा, हर उस टाइम पे क्रोम का टैप कर देना, आपका क्रोम ओपन हो जाएगा। उसके बाद एक्सेप्ट कर देना, उसको नेक्स्ट कर देना, नो थैंक्स कर देना। आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना क्या आएगा इस गूगल, ओके www.google.com, देखिए गाइस google.com, उसके बाद गो कर देना है। अब सिम को खोल देना, कोई दिक्कत नहीं है, सिम को मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है VN ROM। ओके गाइस, देखिए ध्यान से VN ROM। ओके, उसके बाद कॉपी बाद चार्ज पर चार्ज कर देना है। सबसे पहले जो ऊपर की वेबसाइट आएगा बाईपास गूगल अकाउंट 2019 VN ROM.NET, ये वाला, इस पर टैप कर देना है। ओके, टैप करने के बाद आपका कुछ इस तरह का नेबस खुल जाएगा, यहाँ से आपको 2 APK को डाउनलोड करना है, डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले इसको कट कर दे रहा है, सबसे पहले हमें करना है क्या गाइस, Android 8.9 GSM APK को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद FRP बाईपास APK को डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले हमें एंड्रॉयड इसको ब्लॉक कर दे रहे हो, Android 8.9 को GSM को डाउनलोड कर ले रहे हैं। इसके बाद इसको कंटिन्यू कर देना, उसके बाद इसको अलाउ कर देना है, नहीं तो डाउनलोड नहीं होगा। उसके बाद ओके पे टैप कर देना। ओके, उसके बाद सेम प्रोसेस से FRP बाईपास को भी डाउनलोड कर लेना, उसके बाद ओके कर देना। डाउनलोड कहाँ पे रहो अभी दिखा दे रहा हूँ, देखिए राइट में ऊपर 3 डॉट दिखा दे, इस पर चले जाइए। उसके बाद देखिए डाउनलोड, उस पर टैप कर देना,
देखिए दोनों डाउनलोड हो गए। सबसे पहले हमें करना है गाइस एंड्रॉयड एंड्रॉयड 89 जीएसएम एपीके को हमें इंस्टॉल कर लेना है। ओके सेटिंग में जाइए, देखिए सेटिंग खुल जाएगा टैप करके, इसके बाद इनेबल कर देना, उसको बैक कर देना। देखिए तो इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया, इंस्टॉल पर टैप कर देना है सिंपली से। ओके इंस्टॉल में टैप कर देना, उसके बाद सीधा डन कर देना है। उसके बाद सेम प्रोसेस से एफ आर पी बाईपास एपीके को भी इंस्टॉल कर लेना गाइस। और एक बात, इसको जो इंस्टॉल होगा इसको करना है सीधा ओपन, इंस्टॉल डन मत करना। ओके देखिए ओपन के टैप कर देना, उसके बाद कैसे ध्यान से देखना ऊपर राइट में थ्री डॉट दिखाई देना है, इस पर टैप करके ब्राउज़र साइन में चले जाइए, उसके बाद ओके पे टैप कर देना। ओके ओके पे टैप करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस पर जाएगा, कोई भी एक ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको करना क्या है यहाँ पे ऐड कर लेना है। ओके नहीं चाहे तो बना भी सकते हो, देखिए नीचे है मेरा वाला, मैं ऐड कर रहा हूँ, आप भी अपने वाला कर लेना। देखिए हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पे टैप कर देना है सिंपली से। उसके बाद पासवर्ड भी बैठे हैं, पासवर्ड को पता नहीं दिखाऊंगा, देखिए पासवर्ड भी बैठा चुका हूँ, उसके बाद साइन इन में टैप कर देना है। ओके नेक्स्ट के बाद सैमसंग के जितने सारे सेट थे A10s A20s A30s A40s A50s में सब में ट्रिक काम करेगा। ओके तो प्रोसेसिंग ले रहा है, लेने दीजिए, कुछ छेड़खानी मत करिए। ओके उसके बाद सीधा मोबाइल को पावर बटन को होल्ड टाइम प्रेस करके मोबाइल को करना है रीस्टार्ट। ओके रीस्टार्ट कर पर टैप कर देना, देखिए रिस्टार्ट हो रहा है, होने दीजिए, कुछ छेड़खानी मत करिए। ओके तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। ओके नेक्स्ट के बाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मेरा बहुत हेल्प हो सकता है, और दोस्तों भी शेयर करना, कुछ पूछना तो मुझसे कॉमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में प्रेस कर देना, इसी तरीके नए टेक्नोलॉजी की वीडियो आपको उधर पहुँच जाएगा। और इंस्टाग्राम का फॉलो नहीं देखिए प्लीज़ फॉलो भी कर लेना। ओके सेट ऑन ऑन हो रहा है, होने दीजिए, कुछ छेड़खानी मत करिए। स्टार्टिंग एंड्रॉइड ले रहा है, लेने दीजिए, मैं सिम ट्रैक को लगा दे रहा हूँ। अब उस पर देखिएगा जो आ गया कुछ इस तरह का, उसके बाद यहाँ पर टैप कर देना है सिंपली से, इस पर आई एप पर टिक लगा के नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद स्किप दिस नाउ पर टैप करके नेक्स्ट कर देना है, उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। ओके जो प्रोसेसिंग है गैस आप कंप्लीट कर लेना, फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। ओके गैस इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, कुछ छेड़खानी मत करिए। देखिए गैस जो पहले वाला अकाउंट था गूगल अकाउंट लॉक था, बाईपास हो गया, नया सा अकाउंट ऐड हो चुका है मेरा वाला, देखिए गैस यहाँ पे ऐड हो चुका है। ओके जो पहले वाला था वो बाईपास हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कर देना सिंपली से। उसके बाद नेक्स्ट कर देना फिर से, उसके बाद फिर से नेक्स्ट, उसके बाद नॉट नाउट पर टैप कर देना, हमको कोई पैटर्न भी नहीं चाहिए, उसके बाद स्किप कर देना। उसके बाद ऊपर स्वाइप करके एक्सेप्ट में प्रेस कर देना, उसके बाद ओके पे टैप कर देना, नहीं तो गाइस बैक करके, बैक भी नहीं हो रहे हैं। बैक करके चला गया प्रोसेसिंग, कोई दिक्कत नहीं है, लोडिंग ले रहा है, लेने दीजिए। ओके गाइस देखिए लोडिंग हो गया, उसके बाद नेक्स्ट कर देना, उसके बाद स्किप करके फिर से स्किप में टैप कर देना, उसके बाद फिनिश कर देना, अभी तक गैस फिनिश नहीं हुआ है। उसके बाद टिक मार्क को हटा के कंटिन्यू कर देना, उसके बाद स्किप स्किप वैसे स्किप, उसके बाद गैस करना क्या है मैं दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ पे एक फंडा है, अभी यहाँ पे जो लोगो देखा था इसमें टैप कर देना, टैप करने के बाद जितने सारे टिक मार्क है सबको हटा देना, नहीं तो ये इंस्टॉल होने लगेगा। ओके मैं सबको हटा दे रहा हूँ, हटाने के बाद फिनिश कर देना। ओके एलईजी का सबका मोबाइल हो गया तैयार। अच्छा वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, सबसे पहले ऊपर स्वाइप करके वाईफाई को बंद कर लेना, उसके बाद मोबाइल के सेटिंग में चले जाइए, मोबाइल के सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है अकाउंट इन बैकअप में, उसके बाद फिर से अकाउंट में चले जाइए, उसको जो आप ईमेल आईडी ऐड किए हैं उसको करना है रिमूव, नहीं तो आपको ईमेल आईडी कस्टमर को मिल जाएगा। रिमूव होने के बाद गैस करना है बैक कर देना, और बैक करने के बाद ऐप में चले जाना है, देखिए गैस ऐप्स। ओके उसके बाद करने का है राइट में थ्री डॉट देखे थे, इसमें
क्लिक करके शो सिस्टम को एनेबल कर लेना। उसको जो एफ आर पी बाईपास और गूगल अकाउंट मैनेजर है इसको करना है अनइंस्टॉल। ओके गाइस देखिए एफ आर पी बाईपास इसको कर दे रहे हैं अनइंस्टॉल। ओके पे टैप कर देना अनइंस्टॉल हो जाएगा। उसको देख करके गूगल अकाउंट मैनेजर को भी चाहिए तो कर सकते हो, नहीं तो मोबाइल को फॉर्मेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल को मेरे हिसाब से मोबाइल को फॉर्मेट कर देना। ओके देखिए किस हो गया एलईजी के सबका मोबाइल हो गया तैयार। वैसे बहुत वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, आपके एक लाइक से मेरा बहुत हेल्प सोचता है। और दोस्तों भी शेयर करना, कुछ पूछना तो कमेंट से कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके और में प्रेस कर देना। इसी देखिए टेक्नोलॉजी की वीडियो आपको उधर पहुँच जाएगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं देखिए प्लीज़ फॉलो भी कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।